हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम कुछ खास दिखाने वाले थे। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे बहुत भयंकर आग लग चुका है और मैं वहाँ से जाके दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं अलग हूँ और यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। जैसे कि देख सकते हो कितना ज़्यादा धुआं, यार पहली बार देखा हूँ आग लगते हुए। देखो कितना प्रदूषण हो रहा है। ये देखो यार, ओ तेरी, ये देखो लगता है, देख सकते हो यार कितना ज्यादा आग। जान पड़ता है वहाँ पे कुछ जल गया। देखो ये कुछ जला तो ना है यार। हाँ। चल देखा है, तो देखा यहाँ पे आग जल रहा है देखो, और सब लोग जानते हैं धुआं लग गया। ओ तेरी, ये देखो गाइस ये ये कितना ज्यादा प्रदूषण, देखो ये देखो। और उधर बाहर निकला चुहिया, वही वाली हाल है। मुझे लगा कि किसी के घर में आग लग गया, और यहाँ पे आग नहीं, यहाँ पे चूल्हा जला गया। देखो वो देखो, वो मुझे लगा आग लग गया किसी के घर में और यहाँ पे चूल्हा जलाया गया है। देखो यार ऐसा ऐसा होता है। कितना पब्लिक आए हैं, सब बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं। देखो सब पढ़ने नहीं आते हैं यहाँ पे, देखते हैं आग जल रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं। देख लो ये देखो धुआं का प्रदूषण। देखो ये जहाँ पड़ता बम ब्लास्ट हो गया है। देखो यार कितना बच्चे देखने के लिए आए। ये देखो फर्स्ट टाइम देखा मैंने। ये देखो यार इतना ज़्यादा प्रदूषण। सो गाइस देख सकते हो हम कितना दूर आ चुके हैं, और देख सकते हो प्रदूषण का माँ बहन एक करके रखे हैं। प्रदूषण का कोई रोक टोक नहीं है, और यहाँ पे इतना ज़्यादा कचरा जलाया जा रहा है कि प्रदूषण सब लोग बोल रहे हैं मोदी जी इसको, प्रदूषण को रोका जाए, और यहाँ पे प्रदूषण किया जा रहा है, देख सकते हो कितना ज़्यादा। सो गाइस मुझे लगा कि घर में आग लग गया है, पर घर में आग नहीं लगा है, प्रदूषण किया जा रहा है, इसको जलाया जा रहा है। तो इसको मैं देखने के लिए गया था कि हाँ घर में आग लग गया हो तो हेल्प करते हैं, पर हेल्प करने वाली चीज़ ही नहीं है इन सबको। और ये जला रहे कूड़ा इकट्ठा करके, जो प्रदूषण होता है ना, काला काले धुएँ निकलते हैं उसको जला रहे थे। मुझे लगा आग लग गया, पर आग नहीं लगा था, यहाँ पर कूड़ा जलाया जा रहा था। इतना पब्लिक इकट्ठा हो गई कि सबको लगा जान पड़ता आग लग गया। पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई कूड़ा जलाया था।